हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज हम बीकॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास फोर पार्ट्स आते हैं दो दो मार्क्स के चार पार्ट एट नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर वन होता है तो क्या बोला हुआ है व्हाट इज़ ए पार्ट में व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एविएशन कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ठीक है तो आपके पास बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को केवल नूमेरिकल पार्ट्स बताऊंगा थियोरिटिकल पार्ट्स के लिए आपके पास ऑलरेडी टेन इयर्स होते हैं तो वहां पर इस तरीके से आंसर लिखे रहते हैं कि इस पार्ट में ये वाला आप आंसर पढ़ लीजिएगा तो इस तरीके से आप आंसर कर लीजिएगा थ्योरी पार्ट का मैं आपको नूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊँगा अब बी पार्ट आप देखिएगा तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल है जो आपके पास डेविएशन बताता है बिटवीन द टू एंड मोर वेरिएबल्स एंड इट इज़ अ मोर रिलायबेबल वेरिएबल्स होता है बिल्कुल होता है लेकिन ज़्यादा रिलायबेबल वेरिएबिलिटीज़ के अंदर नहीं होती वेरेबिलिटी तो होती है ठीक है वेरेबिलिटी या फिर आपको चेक करना होता है कंपेरिजन कंसिस्टेंसी तो आप स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन का ही यूज़ करते हैं अब पार्ट टू देख लेते हैं टू रेग्रेशन कॉफिशेंट्स हैं आपके पास एक और दो इट इज़ करेक्ट गिव इन द रीज़न ये दोनों करेक्ट हैं या नहीं हैं तो ये इनकरेक्ट हैं क्यों इनकरेक्ट हैं क्योंकि आप सभी को पता है दोनों कॉफिशियंट्स जो हैं वो सेम साइन के साथ होने चाहिए तो यहाँ लिखा है इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द बोथ टू रेगरेशन आज द सेम साइन सेम साइन के साथ होना चाहिए बट बोथ रोगेशन इज द एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव हैंस वन कॉफिशियंट इज़ अ नेगेटिव एंड द अदर इज पॉजिटिव इज इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप इसका आर निकालेंगे यानी कि जब आपका को निकालेंगे इन दोनों कॉफिशियंट से तो वहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा जो कि गलत होगा ठीक है मतलब ये वैल्यू नहीं बनेगी इन कंसिस्टेंट नहीं करती है सिंपल आपको लिख देना है नेक्स्ट है मिस्टर एक्स ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू सोनीपत एंड स्पीड ऑफ फोर्टी रुपी फोर्टी किलोमीटर्स पर आवर बट वाइल रिटर्निंग द फिफ्टी फाइव किलोमीटर्स पर आवर फाइंड द एवरेज तो आप सभी को पता है स्पीड का जब एवरेज होता है तो हम लोगों को कौन सा मीन लगाना पड़ता है हेरमोनिक मीन तो एच एम इक्वल्स टू क्या होता है एन बाय सिग्मा वन बाय एक्स क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का ही पार्ट बनेगा क्योंकि डायरेक्ट आपके पास डाटा दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है दो एक बार आ रहे हो एक बार जा रहे हो तो दो आइटम्स हुए और एक आपके पास हो गया सिग्मा अगर आप लेंगे तो वन प्लस फोर्टी से जा रहे हैं और वन बाय एक्स की वैल्यू एक बार फोर्टी है एक बार फिफ्टी फाइव आई तो फिफ्टी से आ रहे हैं तो आप टेबल चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपके पास एक्स हो गया पहले फोर्टी फिर हो गया आपके पास 50 फिर आपने वन बाई एक्स निकाल दिया तो या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दो ऑब्जर्वेशनस ही हैं तो अब बेसिकली आप इसका जो है वो चाहे तो एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का तो दोनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर लगभग फोर्टी आएगा एल्शियम फोर से फोर्टी को डिवाइड करेंगे एलेवन आएगा इलेवन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एलेवन प्लस ये आप इससे करेंगे तो इसके बाद आपके पास लगभग लगभग एट से ये आ जाएगा ठीक है तो आप इसको पूरा करेंगे तो टू बाय नाइनटीन बाय फोर फोर्टी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये इससे मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो ये क्योंकि ऊपर हो जाएगा ठीक है तो आपके पास आ जाएगा टू इंटू फोर फोर्टी बाय नाइन्टी तो एट एट्टी बाई तो आप इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 46.32 सिक्स पॉइंट थ्री टू किलोमीटर्स आ जाएगा ठीक है क्लियर है बिल्कुल सिंपल है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं इसके पार्ट डी पर तो डी पार्ट क्या कह रहा है वट डी यू पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन वैल्यूज ऑफ कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट सिंपल है जब आप बात करते हैं पॉजिटिव वन कोरिलेशन की तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास डाटा होता है ये एक्स डाटा है और ये आपके पास वाई डाटा है और जब आप इसका कोरिलेशन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा पॉजिटिव वन या कोई भी वैल्यू आएंगी ठीक है तो पॉजिटिव वन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चे रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है और जब आपके पास कुछ इस तरीके का आ रहा है तो यहाँ पर आर की वैल्यू आपके पास माइनस आ, वन आएगी और एक्स और वाई के बीच में नेगेटिवली रिलेशन को शो करेगा कि अगर एक्स बढ़ता है तो वाई कम होगा और वाई बढ़ता है तो एक्स कम होगा और यहाँ पर दोनों बढ़ते हैं या तो दोनों कम होते हैं इसलिए परफेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए आप इसको परफेक्ट पॉजिटिव भी बोलते हैं और इसको आप परफेक्ट नेगेटिव भी बोलते हैं ठीक है कोरिलेशन ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया परफेक्ट और ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो देख लीजिए आंसर में यही लिखा हुआ है आपके पास अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू को ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स इसमें थ्योरी पार्ट आता है और नोमेरिकल पार्ट भी आता है फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन नंबर टू आता है आपके पास टोटल फोर्टीन मार्क्स का जिसमें से एक क्वेश्चन होगा सिक्स मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन होगा एट मार्क्स का आपको फोकस रखना है एट मार्क्स के क्वेश्चन पर ध्यान रखना ठीक है सिक्स मार्क्स पर भी फोकस रखना है लेकिन एट मार्क्स का क्वेश्चन आपको कन्फर्म अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एट एट को अगर आप देखें तो ट्वेंटी मार्क्स के आपके पास थ्री क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाएंगे briefly describe the various components of the और आपने अगर, अगर स्ट्रैटेजी वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आई बटन पर भी डाल दूंगा कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज गिव द अडेप्टिव एंड मल्टीवेटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज तो आप सभी को बताएं मल्टी मल्टीगेटिव और द एडिक्टिव मॉडल्स होते हैं टाइम सीरीज़ के ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा मैं थ्योरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं कराने वाला हूँ मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था तो अब हम बी पार्ट करेंगे जो कि एट मार्क्स का है फोर अ ग्रुप और अगर थ्योरी बाट में किसी को दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है वैसे टेन ईयर में दिया हुआ है आराम से थ्योरी पढ़ सकते हैं फोर अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड आइटम्स अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज एट एंड दिस तो आपके पास एस डी दिया हुआ है किसी एक आइटम का एट और आपके पास अर्थमेटिक मीन जो ओ अर्थमेटिक मीन जो है वो एट दिया हुआ है यानी कि एक्स बार आपके पास एट दिया हुआ है और स्टैंडर्ड एविएशन थ्री पॉइंट टू फोर दिया हुआ है फॉर फोर्टी फाइव ऑब्जर्वेश्स यानी कि अगर हम फोर्टी फाइव ऑब्जर्वेशन को लें ऑफ दीज हंड्रेड मीन से तो मान लेते हैं हम लोग एक्स वन ठीक है और एंड वन हमने आइटम उसको ले लिया क्योंकि दो पार्ट्स में डिम डिवाइड करना है एक हो गए फोर्टी फाइव ऑब्जर्वेशंस एक्स वन फिर इसके बाद इसका अर्थमेटिक मीन आ जाता है आपके पास टेन ठीक है एंड सेलेक्टेड फ्रॉम दीज हंड्रेड ऑबजर्वेशन मीन एंड स्टैंडर्ड एविशन आर टेन एंड तो टेन so, आ जाता है मीन और स्टैंडर्ड एवियशन आ जाता है आपके पास वन सीरीज़ का कितना ट्वेल्व ठीक है चलिए फाइंड द आर्थमैटिक मीन एंड द डेविएशन ऑफ रिवेनिंग आइटम्स तो रिवेनिंग कितने बच गए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे आपके पास हंड्रेड तो टोटल हंड्रेड थे तो एंड टू फोर्टी फाइव हो गए तो फिफ्टी फाइव बचे तो so, आपको एक्स टू कैलकुलेट करना है और आपको एस डी का टू भी कैलकुलेट करना है तो मतलब रिमेनिंग तो फिफ्टी फाइव बचे तो मैंने वन और टू से ले लिया फोर्टी फाइव को वन और फिफ्टी फाइव को टू तो दोनों का एस डी और ये हमें कैलकुलेट करना है तो देखिएगा सबसे स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आप जो है कम्बाइंड मीन का फार्मूला लगाइए कम्बाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है एक्स बार वन टू और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो मेरा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अध्ययन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा ठीक है तो एक्स बार वन एन वन प्लस एक्स बार टू एन टू बाय एन वन प्लस एन टू ठीक है क्लियर है तो एक्स बार वन अगर आप देखें यहाँ पर एक्स बार वन को तो आपके पास एक्स बार वन टू मतलब दोनों का कम्बाइंड मीन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो दोनों का कम्बाइंड मीन ऑलरेडी कितना है एट क्योंकि पूरा हंड्रेड ऑब्जर्वेशन्स का है तो एक्स बार वन टेन है और एन वन आपने फोर्टी फाइव लिया हुआ है एक्स बार टू आपको निकालना है एन टू आपके पास फिफ्टी फाइव ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे और ये हो जाएगा पूरा हंड्रेड ही लिख देता हूँ क्योंकि फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव होगा ठीक है तो वन रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फोर फिफ्टी प्लस फिफ्टी फाइव एक्स बार टू इक्वल्स टू एट हंड्रेड फिफ्टी फाइव एक्स बार टू इक्वल्स टू एट हंड्रेड माइनस फोर फिफ्टी मैंने फ़ोर फिफ्टी इधर लेकर आ गया एक्स बार टू इक्वल्स टू ये आ गया थ्री फिफ्टी आ गया कितना आपके पास थ्री फिफ्टी आ गया और इधर ये फिफ्टी फाइव है तो आप क्या करें आ, 55 है तो इधर इससे डिवाइड हो जाएगा डिवाइड में डायरेक्ट स्टेप्स को कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे क्या कैलकुलेशन करेंगे तो 6.36 पॉइंट आंसर आ जाएगा ठीक है अब लगाते हैं भाई कम्बाइंड एस का फॉर्मूला तो कम्बाइंड एस क्या होता है रूट में रूट में एन वन एस डी वन का स्क्वायर प्लस टी वन का स्क्वायर ठीक है और फिर एन टू एन टू एस डी टू प्लस डी टू का स्क्वायर बाय एन वन प्लस एन टू ठीक है तो पहले डी वन और डी टू निकाल लेते हैं तो जब हम डी वन की बात करते हैं डी वन डी वन का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट है ना तो डी वन कैसे निकलता है डी वन निकलता है एक्स बार वन माइनस एक्स बार वन टू यानी कम्बाइंड मीन तो एक्स बार वन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में टेन आई थिंक टेन ही था देख लेते हैं एक बार और टेन था बिल्कुल कम्बाइंड एट है तो टेन और एट टेन माइनस एट इक्वल्स टू टू और टू का स्क्वायर करना है आपको तो फोर आ जाएगा डी टू का स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा बेसिकली इसका स्क्वायर होगा एक्स बार टू माइनस एक्स बार वन टू का स्क्वायर यानी कि ये दिया हुआ है आपके पास 3.63 अभी निकाला हमने माइनस एट का स्क्वायर इक्वल्स टू आ, ये आ जाएगा आपके पास 1.64 का स्क्वायर 1.64 का अगर आप स्क्वायर करें तो 2.6896 आ जाएगा अब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए तो एस डी वन टू इक्ल्स टू रूट के अंदर आपके पास एन वन है फोर्टी एन वन है फोर्टी फाइव एस डी वन एस डी वन कितना था और आपके पास कम्बाइंड एस डी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कम्बाइंड एस डी दिया हुआ है तो मैं कंबाइंड एस डी की डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा देखिए क्वेश्चन में तो कम्बाइंड एस डी था ना थ्री पॉइंट टू फोर थ्री पॉइंट टू फोर कम्बाइंड एस डी और एस डी वन कितना था एस डी वन था एस डी वन टवेल्व दिया हुआ था एस डी वन टवेल्व दिया हुआ था चलिए तो कम्बाइंड एस डी थ्री पॉइंट टू फोर कंबाइंड एस डी है बारह बारह का स्क्वायर प्लस इसके बाद आपके पास डी वन का स्क्वायर फोर आया डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं प्लस फिफ्टी फाइव एन टू और एस डी टू हमें निकालना है एस डी टू का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर अभी हमने निकाला तो आया टू पॉइंट सिक्स एट ही लिख देता हूँ मैं इसे ठीक है सिक्स एट और एन वन अपॉन में एन टू यानी फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव अब क्या करें आप इस रूट को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो थ्री पॉइंट टू फोर का स्क्वायर हो गया ये और इधर से रूट हट जाएगा तो फोर्टी फाइव अंदर हुआ वन फोर्टी फोर इसका ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस फोर प्लस फाइव फाइव एस डी टू का स्क्वायर प्लस टू पॉइंट सिक्स एट बाय प्लस में हंड्रेड अब आप इसका स्क्वायर निकाल के हंड्रेड से मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं ओ ठीक है स्पेस नहीं है मैंने एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ तो अब आप इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा टेन पॉइंट फोर नाइन सेवन सिक्स इक्वल्स टू अब आप क्या करें आ, उसका मल्टीप्लाई कर दें दोनों को ऐड कर देंगे तो फोर्टी फाइव इंटू वन फोर्टी फोर हो जाएगा प्लस फिफ्टी फाइव ठीक है फिफ्टी फाइव और आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें फिफ्टी फाइव के साथ तो फिफ्टी फाइव एस डी टू का स्क्वायर प्लस अब 2.68 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, 147, ठीक है समथिंग ये आ जाएगा और अपॉन में नीचे 100 है ही तो वन रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स सिक्स डबल ज़ीरो आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ठीक है प्लस फिफ्टी फाइव एस डी टू का स्क्वायर प्लस वन फोर सेवन पॉइंट नाइन टू एट टू वन ज़ीरो फोर नाइन पॉइंट सेवन सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि ठीक है अब यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर हुई होगी सभी बच्चों को अब आप क्या करें इसको और इसको जोड़ दें इसको इसको जोड़ दें तो आपके पास आंसर आएगा कुछ कुछ वैल्यू आपके पास बनेगी वो वैल्यू क्या बनेगी देखिए वन फोर्टी सेवन आया ना ये तो ये दोस्तों सिक्स सिक्सटी आया मैंने गलती कर दी ये सिक्स सिक्सटी आया अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिक्स एट ज़ीरो सेवन पॉइंट नाइन टू एट प्लस फिफ्टी फ़ाइव डी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू वन जीरो फोर नाइन पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है दैट्स इट अब इसको उधर लेके चले जाएंगे आप तो आपके पास इधर बचेगा फिफ्टी फ़ाइव डी टू का स्क्वायर 1049.76 ज़ीरो फोर नाइन का स्क्वायर दोनों को माइनस कर दें दोनों को माइनस करके आपके पास जो आंसर आएगा हम्म ये हो जाएगा वन एक हज़ार है वो तो सिक्स सिक्स माइनस में आ जाएगा सिक्स सिक्स फाइव एट पॉइंट वन सिक्स एट ठीक है अब एस डी स्क्वायर इधर ही रखें और माइनस सिक्स सिक्स फाइव एट पॉइंट वन सिक्स एट और इधर आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड में फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव डिवाइड में चला गया अब एस डी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइड आप कर देंगे फिफ्टी फाइव से तो माइनस का वन ट्वेंटी वन पॉइंट ज़ीरो फाइव सेवन सिक्स आ जाएगा इसके बाद आप जो है देखें तो यहाँ पर एस डी जो है वो नगेटिव में आ रहा है इसकी स्क्वायर की वैल्यू और अगर आप एस डी टू का इधर रूट लगाएं तो माइनस वन टू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव सेवन सिक्स और ये नेगेटिव वैल्यू है तो आप कह सकते हैं एस डी कैन नाट बी कैन नॉट बी इन द नेगेटिव नेगेटिव में कभी निकलता ही नहीं है सो दिस क्वेश्चन इज दिस गिवन क्वेश्चन इज़ रॉन्ग ठीक है ये क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अगले पार्ट पे पहुंच जाते हैं अपने ठीक है सी पार्ट पे इसके और का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें तो यहाँ पर आपके पास ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फाइंड मोड तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं भाई चलिए तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे टेबल में आपके पास यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर आप देखें एक चीज़ देखिए देखिए मैं इसी में बना दे रहा हूँ एक चीज़ अगर आप देखें तो पहले टेन टू ट्वेंटी टेन का डिफरेंस टेन का डिफरेंस टेन का डिफरेंस फिर टेन का डिफरेंस फिर टेन का डिफरेंस लेकिन यहाँ पर अचानक से आपके पास डिफरेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है डिफरेंस अचानक से क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या करनी पड़ती है एडजस्ट करनी पड़ती है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजस्ट फ्रिक्वेंसी ठीक है फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले आपके पास जो एट नंबर दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम डिफरेंस है तो मिनिमम डिफरेंस देखिए हर किसी में दस दस का है तो दस का मिनिमम डिफरेंस आया आप इसको डिवाइड कर देंगे इस फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है थर्टी का डिफरेंस है थर्टी का डिफरेंस है तो यहाँ पर आपके पास जो है आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एट्टी डिवाइडेड बाय एट्टी डिवाइडेड बाय थर्टी मैं थ्री लिख रहा हूँ थर्टी का डिफरेंस है थर्टी तो ये हो गया टू पॉइंट सिक्स सेवन आ गया ठीक है अब आपको जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे लास्ट में तो आप इसमें लेंगे कितना टू पॉइंट सिक्स सेवन का लेंगे तो यहाँ पर करते हैं हम हिस्टोग्राम देखिए कैसे बनाते हैं आप सभी को याद हो तो ये रही एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक्स और यहाँ पर हम दिखाएंगे अपनी फ्रिक्वेंसी ठीक है तो आपके पास टेन ट्वेंटी थर्टी इस तरीके से दे रखा है तो मैं इधर बना लेता हूँ ज़ीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी और लास्ट हंड्रेड था इससे ज़्यादा नहीं था है ना और फ्रिक्वेंसी में आप मैक्सिमम नंबर देखें तो थर्टी है ठीक है दिख रहा होगा आप सभी को मैक्सिमम नंबर थर्टी है तो मैं यहाँ पर जो है डिफरेंस ले लेता हूँ थ्री 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 और थ्री का थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन और थर्टी ठीक है दैट सेट अब क्या करेंगे हम लोग अब हम इंस्टोग्राम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरो टेन से लेके ट्वेंटी तक आपके पास कितनी वैल्यू है टेन से ट्वेंटी तक आपके पास वैल्यू है टेन फिर है ट्वेंटी टू सबसे पहले टेन वैल्यू है तो टेन वैल्यू यहाँ पर आएगी लगभग तो मैंने इसको बना देना है टेन से ट्वेंटी से टेन से ट्वेंटी पर ये वैल्यू बना दी मैंने ठीक है इसके बाद आपके पास ट्वेंटी टू था तो ट्वेंटी टू तक बनाऊंगा मैं ऊपर और ये आई थिंक यहाँ तक ही जाएगा और फिर इसके बाद ये थर्टी और सिक्सटीन थर्टी है ये रही वैल्यू देट सेट फिर सिक्सटीन ग्यारह सिक्सटीन है वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी ठीक okay. है फिर पचास से साठ पे ग्यारह पचास से साठ पे ग्यारह ठीक है दोस्तों एक गलती है इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या गलती है यहाँ पचास से साठ लिखा हुआ यहाँ सत्तर से स्टार्ट किया हुआ इसका मतलब यहाँ ये यह सत्तर है यहाँ ये यह क्या है सत्तर तो यहां पे भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी फ्रिकुवेंसी ग्यारह है इनटू करोगे मिनिमम फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर दोगे इसके बीच का डिफरेंस ट्वेंटी का है है ना तो 5.5 आ जाएगा 5.5 तो आप 50 से 70 तक बनाओगे या 50 से 70 तक बनाओगे तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ से तो आपके पास जो है 50 से 70 पे बनेगा 5.5 का तो हम 5.5 का बना दिया हमने 50 से 70 और 70 से हंड्रेड टू पॉइंट सिक्स सेवन आया था टू पॉइंट सिक्स सेवन ये आ गया ठीक है दैट्स इट ये बन गया हिस्टोग्राम आप देखिए अब क्या होता है कि आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम इंस्टोग्राम है उसके आप एंड पॉइंट्स देखेंगे और उसके साथ साथ जो एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं इन एंड पॉइंट्स को यहाँ पर आप मिलाएंगे इसको इससे और आज इस पॉइंट्स को इससे तो इसके बाद आपके पास ये जहाँ कट करेगा उसको आप नीचे लेकर आएंगे यहाँ पर ठीक है और जैसे ही यहाँ पर ये यह नीचे आएगा तो आप देख लेंगे कि लगभग जो है वो तैंतीस के आसपास आपके पास जो है वो आ रहा है तो तैंतीस आपका क्या हो गया बच्चे मोड हो गया थर्टी थ्री के आसपास थर्टी थ्री थर्टी फोर के आसपास आ रहा है आप जब इसके एग्जैक्ट पेपर पे बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा क्योंकि आप सभी को पता है ग्राफ पेपर में ऐसे बॉक्स होते हैं फिर उसके अंदर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे सौ बॉक्स होते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं अब नेक्स्ट है आपके पास एक फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टीमेट द सेल्स ऑफ द 2018 2018 की सेल्स फाइंड आउट कीजिए चलिए सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं तो ईयर हैं आपके पास 2010 2010 2011 2012 2013 दस और 2015 तो आप देखें कितने ईयर हैं इवन नंबर्स ईयर हैं ठीक है तो मेथड अलग लगेगा सेल्स दे रखी है आपके पास ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी फोर्टी फ़ोर और फ़िफ्टी टू फोर्टी फ़ोर और फिफ्टी टू ठीक है दैट्स इट अब आपके पास जो है क्या निकालना है सबसे पहले आपको एक एक्सलेट करना है और वो एक्स लेट आप कैसे करते हैं बताइए मुझे आपके पास इवन दिया हुआ है ठीक है तो इवन दिया हुआ है तो आप दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेते हैं दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेते हैं ये दो नंबर हैं इन दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2012 और 2013 के बीच का एवरेज 2000 बताइए बताइए 2012.5 ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे x निकालेंगे x आप निकाल लेंगे आ, वैसे हम अलग फॉर्मूले से करते हैं लेकिन यहाँ पर आपके पास मिड वैल्यू नहीं है तो दोनों का एवरेज निकाल लिया आपने तो आप निकालेंगे x इक्वल्स टू एक्स माइनस जो भी आपके पास वैल्यू है ईयर माइनस जो ईयर को मैं y से दिखा देता हूँ अभी ठीक है ईयर माइनस आपके पास जो 2012.5 आया इससे करोगे आप ठीक है तो 2010 में से 12.5 गए तो का तो माइनस का 2.5 11 में से माइनस वन और माइनस जीरो फिर पॉजिटिव 0.5 और पॉजिटिव 1.5 पॉजिटिव 2.5 इसके बाद आपके पास जो है आपको एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक्स अभी हमने निकाला इसी का स्क्वायर करना है तो 625 यानी कि 6.25 225 टू फाइव दो सौ पॉइंट टू और 6.25 अब ये वाई लेते हैं ना हम लोग सेल्स को तो यहाँ पर आप सिग्मा वाई भी निकाल सकते हैं और अब एक्स और वाई भी निकाल लीजिए तो एक्स और वाई मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस का सिक्सटी माइनस का थर्टी नाइन माइनस का फोर्टीन पॉजिटिव पंद्रह पॉजिटिव सिक्सटी सिक्स पॉजिटिव एक सौ तीस ठीक है अब यहाँ पर आप इसका टोटल कर लीजिए तो सिग्मा वाई आ जाएगा तो ये हो गया टोटल सिग्मा वाई इक्वल्स टू दो सौ चार ये तो ज़ीरो होता है आपको पता ही है इसका टोटल कर लेंगे तो सत्रह पॉइंट पचास ठीक है और इसका टोटल कर लेंगे तो पॉजिटिव प्लस अलग और माइनस अलग तो ये हो जाएगा नाइन्टी एट ठीक है अब देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे अब अल्फा का फॉर्म लगाइए यानी ए का फॉर्म लगाइए ए या अल्फ़ा कुछ भी कह सकते हैं आप एक वस्तु होता है सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा वाई कितना है दो सौ चार नंबर ऑफ टर्म्स छः थे चौंतीस आ गया बीटा निकाल लीजिए बी सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई कितना आया प्लस का अंठानवे एक्स वाई का स्क्वायर सत्रह पॉइंट पचास कर दो डिवाइड फाइव पॉइंट सिक्स आपके पास स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू में वाई सी इक्वेशन क्या होती है वाई सी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स तो वाई सी इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू चौंतीस प्लस बीटा फाइव पॉइंट सिक्स एक्स यह आ गई आपके पास इक्वेशन अब इस इक्वेशन से आप जो है वाई सी की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए कैसे निकालते हैं वाई सी की वैल्यूज़ को बताइए आपके पास थर्टी फोर दिया हुआ है प्लस फाइव पॉइंट सिक्स अब आपको ना एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो x ये दिया हुआ है आपको माली से 2010 का निकालना है तो x में आप रख देंगे माइनस का 2.5 तो माइनस का 2.5 हम जब रखेंगे इन में माइनस का 2.5 तो ये आपके पास बन जाएगा 34 प्लस 34 प्लस अराउंड 10 और 10 और 13 ते, के समथिंग ये आपके पास 14 के समथिंग ये आपके पास जो है वो बन रहा है फिर आप यहाँ पर लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस का टू पॉइंट फाइव है ना तो ये आपके पास ट्वेंटी आ गया इसी तरीके से आप एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और उसको निकाल देंगे ठीक है फिर इसके बाद आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे थर्टी फोर प्लस फाइव पॉइंट सिक्स इन टू माइनस का वन पॉइंट फाइव तो ये आपके पास आ जाएगा समथिंग पच्चीस फिर थर्टी फोर प्लस फाइव पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो ये आपके पास आई थर्टी वन पॉइंट टू समथिंग आ जाएगा फिर इसके बाद आप पॉजिटिव रखेंगे 34 फोर प्लस फाइव पॉइंट सिक्स इंटू ज़ीरो पॉइंट फाइव आई थिंक समथिंग थर्टी सिक्स पॉइंट एट आ जाएगा ठीक है और इसी तरीके से 34 फोर प्लस फाइव पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव पॉजिटिव तो 42.4 टू पॉइंट फोर आ जाएगा और 34 फोर प्लस फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टू पॉइंट फाइव अराउंड फोर्टी एट आ जाएगा तो इस तरीके से हमने जो पूरी टेबल निकाल ली अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को रख दीजिए बीस पच्चीस पॉइंट छः, इकतीस पॉइंट दो छत्तीस पॉइंट आठ बयालीस पॉइंट चार और अड़तालीस इसका टोटल करना चाहें कर दीजिए इसका टोटल दो सौ चार के समथिंग आएगा ठीक है क्लियर है सभी को समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं यार थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चनों को करने में चलिए और इसके आंसर शीट अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पी की कर लेना आप सभी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में दोबारा ए पार्ट जो है वो थ्योरी का है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेग्रेशन कोफिशेंट पार्ट बोल रखा है पढ़ लीजिएगा आप सभी कंप्यूट द फिशर आइडियल प्राइस एंड द शो इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट तो टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे किया जाता है बताएंगे सभी स्टूडेंट मुझे टाइम रिवर्सल टेस्ट बताओ टाइम रिवर्सल टेस्ट तो टाइम रिवर्सल टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं P01 जीरो वन इंटू पी वन जीरो इक्वल्स टू वन के प्रूफ कर देते हैं आंसर आ जाता है तो ठीक है तो आपके पास देख लेते हैं P1 क्या है P2 क्या है ठीक है और Q1 वन पी टू नहीं P0 और P1 क्या क्या है Q0 और Q1 क्या क्या है ठीक है तो ये इसके बाद हम किस में से देखेंगे ये सब चीज़ें तो इसमें से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें टेबल में आपने तो यहाँ पर आपके पास जो है वो प्राइस दिया हुआ है और ये वैल्यू दी हुई है वैल्यू का मतलब है मल्टीप्लाई करा हुआ है इन रूपीज़ में तो क्वांटिटीज़ निकालनी है तो इसका मतलब इसको टेन से यानी प्राइस से डिवाइड देना होगा तो थ्री आ जाएगा फ़ोर आ जाएगा फ़ाइफ आ जाएगा और फाइफ आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू दी हुई है तो फोर आ जाएगा फ़ाइफ आ जाएगा और बारहठे छियानवे होते हैं ना हाँ शायद बारह आ जाएगा और पाँच आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद आप पी जीरो क्या होगा बेस ईयर ये रहा और करंट ईयर ये रहा तो प्राइस यानी पी जीरो ये हो गया और क्यू जीरो ये अभी अभी निकाल लिया आपने तो पी जीरो है आपके पास दस पंद्रह पाँच और दो पी वन करंट ईयर का प्राइस ये है तो करंट ईयर का प्राइस हो गया बारह पंद्रह आठ और तीन क्यू जीरो क्यू जीरो ये रहा थ्री फोर फाइव एंड फाइव क्यू वन क्या है करंट ईयर की क्वांटिटी फोर फाइव ट्वेल्व और फाइव अब इसके बाद आपको क्या करना है आपको पी जीरो ओ पी वन क्यू ज़ीरो निकालना है फिर इसके बाद पी ज़ीरो निकालना है फिर इसको पी वन क्यू वन निकालना है फिर इसके बाद पी जीरो ओ पी वन पी ज़ीरो क्यू वन निकालना है ये फिशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है देखिए फिशर का फॉर्मूला क्या होता है फिशर्स प्राइज इंडेक्स ठीक है तो फिशर प्राइज इंडेक्स क्या होता है बताइए पी जीरो वन से डिनोट करते हैं आप इसे भी रूट के अंदर सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन में सिग्मा पी जीरो, जीरो सिग्मा पी वन क्यू जीरो इन टू बाय ज़ीरो क्यू वन में हंड्रेड ये फ़िशर का फार्मूला है ठीक है क्लियर है तो फ़िशर का करेंगे आप तो आ, पहले निकाल लीजिए पी जी वी एन क्यू ज़ीरो तो पी वन और क्यू ज़ीरो तो बारह 36 और ये आ गया आपके पास थर्टी सिक्स ठीक है पी वन क्यू ज़ीरो थर्टी सिक्स फिर इसके बाद सिक्सटी फिर इसके बाद एट्टी ठीक है और एट्टी एट्टी या नहीं पी वन क्यू जीरो बारह पच्चीस चालीस आना चाहिए पी वन क्यू ज़ीरो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पी वन क्यू ज़ीरो पी वन क्यू जीरो ठीक है ठीक है मैंने एक गलती कर दी है यहाँ ये दस आ रहा है है पचास को पाँच से डिवाइड करके दस आएगा ना तो ये दस है इसलिए अस्सी आ रहा है ठीक है और फिर ये पंद्रह इसके बाद p0 q0 तो p0 और q0 मैच को अलग कलर से करता हूं ताकि मैच मिसमैच ना हो तो p0 और q0 तो p0 q0 30 60 50 और 10 ठीक है तो p0 और q0 आपके पास 30 60 50 और 10 इसके बाद p1 q1 p1 और q1 ठीक है तो ये आ गया 48 पिचत्तर बारहठे छियानवे पंद्रह ठीक है तो P1 Q1 आपके पास आया अड़तालीस पचहत्तर छियानवे और पंद्रह P0 Q1, P0 और Q1, वन लास्ट लास्ट चालीस पचहत्तर ठीक है फिर साठ और दस चालीस पचहत्तर साठ दस इन सबको टोटल कर दीजिए टोटल करोगे आप तो P0 P1 Q0 आएगा 191 नाइन्टी वन पी जीरो क्यू जीरो पी जीरो क्यू जीरो वन फिफ्टी पी वन क्यू वन पी वन क्यू वन टू थर्टी फोर ओ टू थर्टी फोर पी जीरो क्यू वन पी जीरो क्यू वन वन एटी फाइव ठीक है फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू उसको पी वन क्यू जीरो की वैल्यू आई वन नाइन्टी वन वन नाइन्टी वन और पी जीरो की जीरो की वैल्यू आई एक सौ पचास इंटू पी वन क्यू जीरो की वैल्यू आई दो सौ चौंतीस और पी जीरो, क्यू जीरो की वन की वैल्यू एक सौ पचासी और इंटू में हंड्रेड बाहर है अब आप क्या करिए रूट में इसको डिवाइड कर लेंगे है ना वो मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा साथ के साथ ठीक है तो मल्टीप्लाई करोगे तो फोर फोर सिक्स नाइन फोर आ रहा है इसकी से कर ली मैंने आमने सामने तो सत्ताईस सात सौ पचास इंटू सौ लास्ट में डिवाइड कर लीजिए डिवाइड आएगी वन पॉइंट सिक्स वन ज़ीरो फाइव नाइन फाइव में हंड्रेड बाहर है रूट निकाल लीजिए रूट निकालेंगे तो वन पॉइंट टू सिक्स नाइन वन आएगा इन हंड्रेड कर दीजिए तो वन सिक्स पॉइंट नाइन वन आ जाएगा ठीक है अब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको जो है पी जीरो वन और क्यू जीरो वन दोनों हम पता होने चाहिए तो P01 जब आप लिखते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला सेम ही रहता है पी जन क्यू जीरो बाय सिगमा पी जीरो क्यू जीरो में सिगमा पी वन क्यू वन बाय सिगमा पी जीरो क्यू वन इसी तरीके से आप जब P10 लिखते हैं तो आप क्या करते हैं बस टाइम का चेंज करते हैं जो जहाँ मैंने यहाँ वन लिखा है ना उस वन की जगह आप ज़ीरो लिख देंगे यानी कि सिगमा P0 Q1 हो जाएगा और सिगमा P00 है तो सिगमा P1 Q1 हो जाएगा इंटू आपके पास सिग्मा P1 है तो P0 और Q0 और सिग्मा P1 Q0 हो जाएगा ठीक है अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू आई थी 191 नाइन्टी वन अपॉन वन फिफ्टी वन नाइनटी वन अपॉन वन फिफ्टी इंटू टू फोर्टी थ्री टू थर्टी फोर डिवाइडेड बाई वन एटी फाइव वन एटी फाइव आपके पास आएगा ठीक है और इसकी अगर आप वैल्यू निकालें तो पी जीरो क्यू वन पी जीरो पी जीरो क्यू वन यानी लास्ट वाली वैल्यू यानी ये वन एटी फाइव और पी वन क्यू जीरो टू थर्टी फोर और पी वन पी जीरो जीरो क्यू जीरो वन डेढ़ सौ और पी वन क्यू जीरो की वैल्यू वन नाइन्टी वन अब आप इसका क्या करेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट करेंगे तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए देखिए क्या होता है आपके पास फार्मूला एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए फार्मूला होता है पी जीरो वन इंटू पी वन ज़ीरो तो दोनों की वैल्यू रख लीजिए आमने सामने तो रूट में ये हो जाएगा वन नाइन्टी वन वन नाइन्टी वन बाय डेढ़ सौ इंटू टू थर्टी फोर बाय वन एटी फाइव आया था इन में इसकी वैल्यू रख लीजिए तो इसकी वैल्यू आई थी वन एटी फाइव बाई टू थर्टी फोर इन् के अंदर वन फिफ्टी बाई वन नाइन्टी वन तो आप देखिए 191 से 190 नाइन्टी डेढ़ सौ से डेढ़ सौ इससे ये और इससे ये पूरा का पूरा जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है तो आपके पास फाइनल आंसर वन आ रहा है तो इसका मतलब है पी जीरो वन इंटू पी वन ज़ीरोस टू वन के इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चे प्रूफ हो चुका है और ये आंसर आपका आ चुका है तो आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ये जो है आंसर करना होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट आगे चलते हैं सभी आगे देखिए आपके पास इसका और का ऑप्शन है तो दोबारा से एक आपके पास थ्योरी का पार्ट है फिर इसके बाद आपके पास एक नूमेरिकल का पार्ट है नोमेरिकल में आपके लिए क्या बोला हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश मैथ और इंग्लिश के मार्क्स हैं मीन दिया हुआ है एस दिया हुआ है और कोफिशेंट को दिया हुआ है फाइंड द टू ए रग्रेशन इक्वेशन तो मैं मैथ्स को वन मान ले रहा हूँ मैथ्स uh, को एक्स मान ले रहा हूँ और इंग्लिश uh, को वाई मान ले रहा हूँ तो मीन uh, एक्स uh, बार एक है और एक वाई बार ले लेंगे एक्स बार आ गया आपके पास फोर्टी वाई बार आ गया आपके पास फिफ्टी एस डी ऑफ एक्स आपके पास आ गया टेन और एस डी ऑफ वाई आपके पास आ गया सिक्सटीन ये लिए ना हमने ठीक है और को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई तो आर से डिनोट करते हैं आर इक्वल्स टू आपके पास जीरो पॉइंट फाइव पॉजिटिव को रिलेशन को दिखा रहा है फाइव है ये दैट्स इट अब देखिए दो रेगरेशन कॉफिशेंट निकालिए सबसे पहले तो रेगरेशन कॉफिशेंट रेगरेशन कॉफिशेंट रेगरेशन कॉफिशेंट ऑफ वाई ऑन एक्स तो सबसे पहले वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो देखिए एस डी और जब कोरिलेशन दिया होता है तो आपके पास वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होता है हम्म बताइए याद आ रहा है कि नहीं नहीं आ रहा है बी वाई एक्स से लिखेंगे आप तो ये होगा आपके पास क्या एस डी और आर आर को रिलेशन और एस डी ऑफ वाई अपॉन में एस डी ऑफ़ एक्स ठीक है तो को रिलेशन जीरो पॉइंट फाइव एस डी ऑफ वाई कितना है आपके पास सोलह और एस डी ऑफ वाई कितना एक्स कितना है दस तो आप इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ज़ीरो पॉइंट एट समिंग आंसर आ जाएगा दैट्स इट ठीक है अब आप निकालिए दूसरा रेग्रिएशन कॉफिशेंट ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑफ एक्स ऑन वाई यानी कि बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इस बार क्या होगा सिग्मा एस डी ऊपर एक्स का और एस डी वाई का नीचे तो सेम ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट फाइव टेन बाई सिक्सटीन टेन बाई सिक्सटीन है तो ये आ गया ज़ीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव दैट्स इट ठीक है अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ था कि रेगरेशन फाइंड द मोस्ट लाइकली मार्क्स इन द मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश इज गिवन 44 अगर इंग्लिश में 44 फोर हो तो उसमें कितने होंगे तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे देखिए इक्वेशन क्या बनानी है आपके पास इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं तो इंग्लिश को आपने वाई बना हुआ है तो आप रेगरेशन इक्वेशन बनाइए रेगरेशन इक्वेशन एक्स ऑन y बनाइए x1 y बनाने से क्या होगा कि y आपके पास गिवन होगा मतलब y आपके पास डिपेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो x y पर डिपेंड करता है और y मैथ्स के मार्क्स बताने हैं, तो मैथ्स आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बनाते हैं तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बीटा एक्स वाई फिर इसके बाद वाई माइनस वाई बार तो x- माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में x बार था आपके पास 40 x बार था 40 40 इक्ल्स टू बी एक्स वाई अभी अभी आपने निकाला ज़ीरो पॉइंट uh, बी एक्स वाई आपने अभी, अभी अभी निकाला जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव और y- माइनस बार ये है फिफ्टी ठीक है तो y- माइनस एक्स माइनस फॉर्टी इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव वाई माइनस फिफ्टी से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अराउंड पंद्रह के आसपास आएगा यानी कि माइनस में पंद्रह पॉइंट सिक्स टू फाइव ठीक है अब आपके पास ये जो है इधर जाके चला जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू फोर्टी प्लस हो गया जाएगा उधर जाकर टू फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन पॉइंट सिक्स टू फाइव प्लस फोर्टी प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा बेसिकली क्योंकि माइनस का है आपके पास फिफ्टीन तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का चौबीस चौबीस पॉइंट थ्री सेवन फ़ाइव अब क्या करेंगे आप वाई जो इंग्लिश की वैल्यू थी वो रख देंगे इसमें तो ज़ीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव वाई की वैल्यू इंग्लिश की वैल्यू कितनी फोर्टी फोर मार्क्स पूछ रहा था प्लस ट्वेंटी फ़ोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री वन टू फाइव को फोर्टी फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी बच्चे कितना आएगा बताओ ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री फाइव प्लस प्लस ट्वेंटी फोर थ्री पॉइंट नहीं आएगा यार ये तो ठीक है ये आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फ़ोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के आपके पास थर्टी वन पॉइंट वन के समथिंग आ रहा है तो थर्टी वन मार्क्स आपके आएंगे मैथमेटिक्स में अगर इंग्लिश में आपके पास आते हैं फोर्टी फोर मार्क्स तो ठीक है सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि नहीं आई आई होगी ठीक है होपफुली चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फोर की तो देखिए फोर्टी मिनट्स हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी वन और मैंने लगभग लगभग जो है वो फोर्थ क्वेश्चन पे हम तो हमने सेवेंटी फाइव परसेंट जो है आ, पेपर सॉल्व कर दिया है वन आवर्स और फोर्टी मिनट्स में ठीक है और हमने थ्योरी पार्ट नहीं लिखा है तो आप लग लीजिए कि फ, मैंने खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे तो लगभग मैंने वन आवर में अगर थ्योरी भी मैं लिखता तो वन आवर लग जाता तो वन आवर में मैंने सेवेंटी फाइव परसेंट कम्प्लीट कर लिया और अब बहुत से बहुत मुझे ट्वेंटी मिनट्स और लगेंगे और मैं ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट कर दूँगा ठीक है तो देखिए तो क्या है फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में है आपके पास रेट ऑफ़ ग्रोथ ऑफ सेल ऑफ कंपनी फाइव ईयर्स ये दे रखी है फाइव ईयर्स की ग्रोथ सेल दे रखी है एंड कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ़ ग्रोथ ठीक है तो एवरेज रेट ऑफ़ ग्रोथ पूछा हुआ है तो आप क्या करेंगे जोमेट्रिक मीन निकालेंगे दोस्तों मैंने स्क्रीन लिया हुआ है मतलब उसमें से टेन ईयर में से, से इसलिए सोल्यूशन में दिखा रहा होगा ठीक है क्लियर है तो जोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो आप ईयर लिख लीजिए रेट ऑफ़ ग्रोथ को एक्स मान लीजिए तो रेट ऑफ ग्रोथ को मैंने एक्स माना कितना कितना दिया हुआ है फाइव परसेंट है तो फाइव परसेंट लिखा मैंने यहाँ पर फिर सेवेंटी पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंटेज ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है इसका अब इसके बाद इसे जब आप x में कन्वर्ट करेंगे तो मान लीजिए वैल्यू ऑफ़ सेल 100 है और आप जो है वो इसमें बढ़ा रहे हैं ग्रोथ की बात हो रही है तो ग्रोथ मतलब बढ़ता है तो सेल अगर आप बेस 100 मान के चलेंगे तो अगर 5 परसेंट की ग्रोथ हुई है तो इस साल आपकी सेल्स कितनी हुई है एक्स आपका नया आ गया एक की सेल हुई होगी है ना फिर आपकी जो ग्रोथ रेट अगर साढ़े है तो सौ पहले था तो एक हो जाएगा फिर एक हो जाएगा फिर 106 हो जाएगा फिर 110 हो जाएगा तो या गया, अब इसके बाद आप क्या कर लीजिए लॉग एक्स निकाल लीजिए क्योंकि याद हो आपको फॉर्मूला जो मैट्रिक मीन का तो जी एम इक्वल्स टू होता है एनटी लॉग एन टी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन और ये आपके पास सिंपल है इंडिविजुअल सीरीज़ है तो लॉग एक्स कैसे निकालेंगे इसकी लॉक की वैल्यू 105 जीरो फाइव की वैल्यू टेबल में कैलकुलेट करेंगे तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके लिखी हुई है तो मैं डायरेक्ट उसे लिख लूँगा देखिए और अगर किसी बच्चे को लॉक की वैल्यू कैलकुलेट लिखना नहीं आता तो वो मेरी वीडियो देख सकता है मैंने लॉक टेबल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जीरो पॉइंट टू वन टू तो ये हो जाएगा टू जीरो पॉइंट थ्री वन फोर 2.0107, पॉइंट थ्री और टू पॉइंट जीरो फोर वन फोर इसका आप टोटल कर लीजिए टोटल करेंगे तो टेन पॉइंट थ्री वन थ्री डबल ज़ीरो ठीक है तो आपके पास आ गया आप एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स टेन पॉइंट तेरह सौ नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं देख लीजिए फाइव हैं क्योंकि फाइव ईयर्स का ही बोला था उसने हमसे तो अब आप एंटी लॉग ऑफ ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूँ एंटी लॉग ऑफ कितना आएगा एंटी लॉग अंदर वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं टू पॉइंट ज़ीरो टू सिक्स और एंटी लॉग आप कैलकुलेट करना सीख लीजिए टेबल में तो वन ज़ीरो सिक्स पॉइंट टू आ जाएगा तो 106.2 है तो अगर आपको एवरेज ग्रोथ रेट चाहिए तो कैसे निकालेंगे आप आपके पास स्टार्टिंग में जो थी वो 100 की सेल थी अब 0.62 हो गई है इसका मतलब 6.2 परसेंट की आपके पास ग्रोथ रेट हुई है एवरेज एवरेज ग्रोथ रेट ठीक है ना नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट जहां पर आपको बोला हुआ है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोऑफिशेंट को रिलेशन फ्रॉम द फॉलोविंग डाटा तो एक्स और वाई दिया हुआ है तो एक्स और वाई लिख लेते हैं हम लोग एक्स और वाई थ्री हंड्रेड फिर थ्री फिफ्टी फिर फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी फाइव हंड्रेड फाइव फिफ्टी ठीक है उसके बाद सिक्स हंड्रेड और सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी और सेवन हंड्रेड ठीक है इसी तरीके से वाई में भी लिख लेते हैं डाटा हम लोग ठीक है वाई आपके पास है एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड एलेवन हंड्रेड और बारह सौ तेरह सौ चौदह सौ पंद्रह सौ और सोलह सौ ठीक है क्लियर है आप देखिए आप चाहें तो किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं ठीक है आप शॉर्टकट लगा सकते हैं डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी आप फॉर्मूला लगा कर यहाँ पर जो है इसको कर सकते हैं आंसर आपके पास जो है वो बिल्कुल सेम आएगा तो मैं जो है वो इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ तो मैं इसको शॉर्टकट क्या कहते हैं मैं इसे डायरेक्ट मेथड से करूँ तो मैं स्मॉल एक्स निकालूंगा स्मॉल एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार ठीक है स्मॉल एक्स निकाल रहा हूँ फिर इसके बाद मैं इनको जो है डिवाइड uh, भी कर दूंगा इनमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं डी एक्स निकाल सकते हैं बेसिकली ठीक है तो मैं डायरेक्ट एक्स माइनस एक्स बार करके इसको निकाल दे रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक्स बार निकालूंगा तो एक्स बार कैसे निकलेगा सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स चाहिए होगा और सिगमा वाई चाहिए होगा तो आप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा फोर फिफ्टी इसका टोटल और पैंतालीस सौ और इसका टोटल दस हज़ार आठ सौ ठीक है अब देखिए एक्स बार इक्वल्स टू होगा आपके पास सिग्मा एक्स बाय एन तो सिग्मा एक्स इतना है पैंतालीस सौ और एक्स बा एन है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन नाइन तो पचास आ जाएगा ठीक है इसके बाद ये पचास आ गया पचास नहीं पाँच सौ आएगा ना एक और ज़ीरो वाई बार इक्वल्स टू सिगमा वाई बाय एन तो एक सौ दस हज़ार आठ सौ बाय नौ तो बारह निम ठीक है तो कितना आ जाएगा बारह सौ आ जाएगा तो ये आ गया आपके पास देखिए ध्यान से समझेंगे तीन सौ माइनस पाँच सौ आया था तो माइनस का दो सौ माइनस का दो सौ फिर इसके बाद आपके पास माइनस का डेढ़ सौ माइनस का सौ माइनस का पचास ज़ीरो प्लस का पचास प्लस का सौ प्लस का डेढ़ सौ और प्लस का दो सौ ठीक है दैट्स सेट अब ऐसे ही आप स्मॉल वाई निकाल लेंगे तो स्मॉल वाई हो जाएगा आपके पास वाई माइनस वाई बार ठीक है तो y- माइनस वाई बार करेंगे तो आपके पास y बार 1200 आया 400 सौ माइनस बारह सौ माइनस चार सौ माइनस तीन सौ माइनस दो सौ माइनस एक सौ ज़ीरो सौ पॉजिटिव दो सौ पॉजिटिव तीन सौ पॉजिटिव और चार सौ पॉजिटिव इनका टोटल करेंगे जीरो ज़ीरो ज़ीरो आता है ठीक है अब आपके पास क्या चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए आपको और आपको वाई का स्क्वायर भी चाहिए स्मॉल वाई और आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मल्टीप्लाई भी चाहिए तभी आपके पास ये हो पाएगा तो मैं कैलकुलेटर से फटाफट कर लेता हूँ और आपको जो है आंसर बताता हूँ क्या आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है ठीक है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम लोग जो है 200 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा चालीस हज़ार और इसका स्क्वायर 15 15 225 सौ दो लाख पच्चीस बाईस हज़ार पाँच सौ दस हज़ार पच्चीस सौ पच्चीस ज़ीरो पच्चीस सौ दस हज़ार बाईस हज़ार पाँच सौ और चालीस हज़ार इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक लाख साठ हज़ार ठीक है और तीन सौ का नब्बे चालीस और दस हज़ार ठीक है ये हो गया ज़ीरो दस हज़ार चालीस हज़ार नब्बे हज़ार सेम ही रहेगा ना और ये हो गया सोलह ला, एक लाख साठ हज़ार अब एक्स और वाई को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स और वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अस्सी हज़ार पंद्रह तब पैंतालीस हज़ार और तीस हजार बीस हज़ार पॉजिटिव हो जाएगा ना क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है और पाँच हज़ार ज़ीरो पाँच हज़ार बीस हज़ार और पैंतालीस हज़ार और अस्सी हज़ार ठीक है अब देट सेट यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा अब आप इनका टोटल कर लीजिए बच्चे तो टोटल कर लेंगे तो देखिए चालीस प्लस बाईस हज़ार पाँच सौ प्लस दस हज़ार ठीक है प्लस पच्चीस सौ ठीक है तो पिचहत्तर हो गया पिचहत्तर का डबल क्योंकि नीचे सेम ही वैल्यू है तो डेढ़ लाख हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल पड़ गया है ना और इसी तरीके से एक साठ प्लस नब्बे प्लस छियालीस प्लस दस हज़ार तीन लाख तीन डबल साठ छः लाख ठीक है इसके बाद ये अस्सी प्लस पैंतालीस प्लस बीस प्लस पाँच पाँच डबल तीन लाख सिंपल एक ज़ीरो और अब फार्मूला क्या होता है बताइए कोरिलेशन का आर इक्वल्स टू बताइए आर इक्वल्स टू सिगमा हमारे पास सिगमा एक्स वाई स्मॉल सिगमा एक्स स्मॉल वाई अपॉन में रूट के अंदर सिगमा स्मॉल एक्स का स्क्वायर इन टू में सिगमा स्मॉल एक्स का स्मॉल वाई का स्क्वायर तो आपके पास जो है सिग्मा स्मॉल एक्स आया वैल्यू कितनी आई थी वैल्यू आई थी, थी आपके पास स्मॉल एक्स का स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तीन लाख तीन लाख और रूट के अंदर सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है डेढ़ लाख इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है छः लाख तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं भाई थोड़ी लंबी वैल्यू हो जाएगी हमारी लेकिन सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा देखिए डेढ़ लाख इंटू लाख ठीक है ये इन्फिनिटी वैल्यू शो कर रहा है तो मैं जो है यहाँ से वैल्यू जो है कम कर दूँगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसके ज़ीरोज़ हम जो है कम करेंगे और रूट में जब ये ज़ीरो कम होंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी पंद्रह छः के नब्बे नब्बे हज़ार और ये चार ज़ीरो इसके और पाँच ज़ीरो इसके चार ज़ीरो इसके ठीक है नब्बे और पाँच जीरो ये लगा दिए और चार ज़ीरो और लगाएंगे थोड़ी बड़ी वैल्यू हो रही है पाँच ज़ीरो से पाँच ज़ीरो कैंसिल ठीक है पाँच ज़ीरो से पाँच ज़ीरो कैंसिल और ये भी रूट में है ठीक है अभी ये रूट में है तो हम रूट निकाल लेते हैं रूट नाइन ज़ीरो 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 ठीक है कितना आ गया कितने ज़ीरो ले लिया मैंने ज़ीरो में बड़ी कन्फ्यूज़न है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस ज़ीरो हैं क्या इसमें तीन छः और दस ज़ीरो हैं बिल्कुल तो ये आ गया आपके पास तीन लाख आ गया आई थिंक तीन लाख आ गया आपके पास ये ठीक है तो देखिए थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन थी कैलकुलेटर में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो ये आपके पास आ गया एक वैल्यू तो कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आई एक आयानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इसी में हमें ज़्यादा टाइम लग गया भाई क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था अब नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द कॉफिशन कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेना हाउ इट्स पर्पज इट्स सर्व इसका क्या पर्पस है ये सब थ्योरी का पार्ट है आप सभी कर लेंगे इसे मैं डी कराऊँगा गिविन द इन्फॉर्मेशन अपटेंडर टू रेग्रेशन इक्वेशन दो रेग्रेशन इक्वेशन बताइए तो कैसे निकालेंगे आप दो रेग्रेशन इक्वेशन बताइए सबसे पहले आप जो है दोनों का जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेंगे और फिर उसके बेस पर हम जो है वो अपनी रेगुलेशन इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सिग्मा एक्स बाय एन करके एक बार मीन निकाल के देखेंगे तो ये आएगा आपके पास 350 सौ पचास बट्टे दस टू ये आ गया आपके पास 35 और वाई बार निकाल के देख लेते हैं सिग्मा वाई बाय एन तो सिग्मा वाई है तीन सौ दस बाय दस इक्वल्स टू थर्टी वन ये मैंने क्यों निकाला देखिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे अब आपके पास ये वैल्यू दी हुई है ये इसके लिए मुझे क्या करना था मुझे ये चेक करना था कि ये यहाँ के लिए सही है या नहीं है तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो इन्होंने पैंतीस लिया हुआ है ये एक्स बार लिया हुआ है यानी कि आपके पास दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एक सौ दस एक सौ बासठ यानी कि अब आप जब आपके पास x माइनस एक्स बार आप करते हैं तो वो स्मॉल x हो जाता है तो स्मॉल x का स्क्वायर दिया हुआ है एक इसी तरीके से यहाँ पर ये यह स्मॉल y दिया हुआ है स्मॉल y का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 222 222 फिर इसके बाद आपके पास यहाँ स्मॉल x और स्मॉल y की मल्टीप्लाई ये ठीक है कितना दिया हुआ है नाइन्टी तो अब आपको दो इक्वेशन्स बतानी हैं तो दो इक्वेशन्स जब हम बताते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है देखिए क्या फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसे कर देंगे तो फार्मूला लगा देते हैं क्या होता है भाई फॉर्मूला अगर हमें रेग्रेशन कॉफिशेंट चाहिए बी एक्स वाई चाहिए ठीक है तो बी एक्स वाई मतलब आपके पास जो कॉफिशेंट निकलेगा वो एक्स ऑन वाई निकलेगा तो आपके पास जो एक्स ऑन वाई निकलेगा कॉफिशेंट उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बाय में सिग्मा वाई का स्क्वायर क्योंकि वाई पे डिपेंडेंट है ठीक है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 92 और स्मॉल वाई स्क्वायर की वैल्यू है 222 तो 92 को आप 222 से डिवाइड कर दीजिए तो 92 डिवाइडेड बाय 222 सौ बाईस आ गया ज़ीरो इसी तरीके से बी वाई एक्स निकाल लीजिए तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बाय सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर 92 टू बाय वन सिक्सटी टू तो 92 डिवाइडेड बाय 160 सिक्सटी टू फाइव पॉइंट अरे वन सिक्सटी टू ठीक है थोड़ा सा गला खराब हो गया था इस वजह से चलिए देखिए आगे चलते हैं मैं कंटिन्यूस बना रहा हूँ इसको मैंने बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं लिया इस वजह से थोड़ा हो रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये हो गया आपके पास अब हमें रेग्रेशन इक्वेशन बनानी है तो रेग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं रेग्रेशन इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑफ एक्स ऑन वाई तो एक्स ऑन वाई जब आप रेग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बीटा एक्स वाई वाई माइनस वाई बार तो एक्स माइनस एक्स बार आपके पास मीन आया था पैंतीस और इकतीस पैंतीस ये आया था इक्वल्स टू बीटा एक्स वाई आया जीरो पॉइंट फोर वन फोर फोर और y माइनस वाई बार आया था इकतीस अब आपके पास x माइनस पैंतीस इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फोर वन फोर ले लिया y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फिर अंदर माइनस और फिर इकतीस के साथ भी मल्टीप्लाई पॉइंट फोर वन फोर फोर इंटू थर्टी वन तो बारह पॉइंट चौरासी चौंसठ आया अब ये पैंतीस इधर लेके चले जाइए तो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट फोर वन फोर वाई माइनस बारह पॉइंट चौरासी चौंसठ माइनस का है प्लस का हो जाएगा पैंतीस तो आप इसमें माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे पैंतीस तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पॉइंट फोर वन फोर वाई माइनस ओ प्लस का आ जाएगा बाईस पॉइंट पंद्रह छत्तीस ठीक है ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन पहली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं हुई होगी आगे देखते हैं और दूसरी इक्वेशन निकालते हैं दूसरी इक्वेशन होगी रेगरेशन इक्वेशन रेगरेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स तो वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बीटा वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार तो वाई माइनस इकतीस बीटा वाई एक्स कितना आया था बीटा वाई एक्स पॉइंट छप्पन सतानवे पॉइंट छप्पन सेवेंटी नाइन एक्स माइनस एक्स बार पैंतीस वाई माइनस इकतीस यहाँ पर ऐसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फाइव सिक्स सेवन नाइन एक्स माइनस पॉइंट फाइव सिक्स सेवन नाइन इंटू पैंतीस तो ये हो गया उन्नीस पॉइंट उन्नीस पॉइंट सतासी पैंसठ इसके बाद वाई इधर ही ज़ीरो पॉइंट छप्पन सेवन नाइन एक्स माइनस उन्नीस पॉइंट एट सेवन सिक्स फाइव ये पॉजिटिव इकतीस तो माइनस थर्टी वन तो वाई माइनस इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन नाइन एक्स माइनस की जगह प्लस का साइन ग्यारह पॉइंट बारह पैंतीस डैट सेट ये दोनों इक्वेशंस आपकी जो है बन गई हैं और भाई क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो चुका है पूरा और अगर आपको इसी तरीके से पूरे कोर्सेज़ को देखना हो तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और अध्ययन क्लासेस ऐप का नाम जो है वो अब बदल कर मैंने टॉप क्लासेस रख दिया है तो आप टॉप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे जिससे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के फुल कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और अदर सब्जेक्ट के भी कोर्सेज़ आपको चाहिए तो वो कोर्सेज भी मेरे चैनल पर आप सभी के लिए अवेलेबल हैं वो सभी कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगी बस आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करके जाना बहुत मेहनत लगती है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना अगर आपका कोई सवाल या सुझाव ज़रूर है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ में आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम और डिटेल में चीज़ों को नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे चलिए स्टूडेंट्स